नमस्कार दोस्तों, आप स्वागत है आपका बैरागी वैष्णव समाज चैनल में। और आज सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार, और सभी भाइयों बहनों और छोटे बच्चों को भी साथ में, और बुज़ुर्गों को भी मेरा इस विशेष रूप से नमस्कार। और पिछली जो वीडियो हमने सबसे पहले वीडियो अपलोड की थी, काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया। कुछ लोगों ने कमेंट भी लिखे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखा है कि हमें थोड़ा ये बतलाने का प्रयास करोगे कि बरागी समाज के लोग वैराग्य को छोड़ कर और कैसे आगे मतलब गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। तो आज इन्हीं बिंदुओं के ऊपर मैं कुछ प्रकाश डालूंगा, और साथ में ही जो बरागी और वैष्णव समाज का इतिहास है, कुछ और तथ्य उसके सामने आप लेने का प्रयत्न करूँगा। और जैसा मुझे उम्मीद है कि पिछली बार की तरह आप लोगों को ये पसंद आएगा, और साथ के साथ ही जो आप जो है पिछली बार की तरह हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएंगे, क्योंकि ये जो चैनल है ये आप लोगों का ही चैनल है, और इसमें मैं तो केवल एक आपको बताने वाला हूँ, बाकी आप लोगों की राय सबसे ऊपर है। यदि कोई वीडियो में ऐसा तथ्य आपको लगता है कि जो सही नहीं है, तो आप उसको सही करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या मैं अपने ईमेल आईडी प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप उस पर भी लिख सकते हो। तो आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो साथ के साथ बाकी अपने समाज के लोगों को भी शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और ये जो हमारा जुड़ाव वाला फैसला है वो सब तक पहुँच सके। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों से हम लोग आपस में जुड़ना चाहते हैं, और वैष्णव और बरागी समाज को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं, जिससे हमारे समाज का जो है अलग एक स्थान हो, और जो परम पूजनीय समाज पहले से रहा है उसकी बारे में पता लगे अपने लोगों को भी और बाहर वाले लोगों को भी। तो आइए शुरुआत करते हैं बैरागी समाज के कुछ अनसुने तथ्यों को, और साथ में कुछ कुछ आंसर मैं देने मतलब उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए ले आया हूँ वैष्णव धर्म का इतिहास और उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आज का हुआ है। तो वैष्णव समुदाय, ये जो है भगवान विष्णु को ईश्वर मानने वाले समुदाय का संप्रदाय है। वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम को जो भागवत धर्म या पंचतंत्र मत है। इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव हैं। वासुदेव मतलब श्री कृष्ण भगवान जी, ठीक है। वैष्णव समुदाय भगवान विष्णु को ईश्वर मानने वालों का संप्रदाय है। वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम भागवत धर्म या पंचतंत्र धर्म है। इस संप्रदाय के प्रधान उपासक देव वासुदेव है, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जिन्हें ज्ञान शक्ति बल वीर्य ऐश्वर्य और तेज इन छः गुणों से संपन्न होने के कारण भगवान अर्थात भगवत कहा गया है। भगवत के उपासक भागवत कहलाते हैं। वैष्णव के बहुत सारे उप संप्रदाय हैं, जैसे बैरागी दास रामानंदी वल्लभ निवाक माधव राधा वल्लभ सखी गोंडिये। वैष्णव का मूल रूप आदित्य या सूर्य की आराधना में भी मिलता है। वैष्णव धर्म से और उसके संप्रदाय से भी महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि इनके बारे में जो सर्वप्रथम जानकारी मिलती है तो उपनिषदों से भी मिलती है, तो जिसका विकास भागवत धर्म से ही हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक किशन जी थे, जो वशन कबीले के थे, और उनका निवास स्थान मथुरा। किशन जी के बारे में तो सभी ने जाना है, सुना है, तो इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। और किशन जी का सबसे पहले उल्लेख छोंदे विश उपनिषद में देवकी के बेटे और अंग्रस रस के शिष्य के रूप में हुआ है। तो अभी मैं संप्रदाय की बात कर रहा हूँ, तो आवीजक मखलीन पुत्र संपादक जो हैं इसके संस्थापक घोर एकरियवादी पूरक कश्यप जो इसके संस्थापक रहे हैं, यक्षवाद अजीत आचार्य अजीत सिंह संपादक, और भौतिकवादी पकुद्धवद कच्चा यन यानी भौतिक दर्शन इसके संस्थापक हैं, अनिच्छेवादी संजय वेद विट्टल। और जो विष्णु के जो अवतारों का उल्लेख जो मत्स्य पुराण है उसमें मिलता है। शास्त्रों में विष्णु के 14 अवतार माने गए हैं, लेकिन मत्स्य पुराण में प्रमुख 10 अवतार माने गए, जिनमें मत्स्य है, कच्छप है, वराह नरसिंह है, वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध और कलिक।
और जो 24 अवतारों का क्रम इस प्रकार है, आदिपू, चार, सनत कुमार, वराह, नारद, नर, नारायण, कपिल, दाते, ज्ञाग, ऋषभ, पथु, मात्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, हयग्रीव, वामन, वश, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, किशन, बुध, कलिक। ठीक है। और इसके जो प्रमुख संप्रदाय और मताचार्य हैं, वैष्णव संप्रदाय, विशिष्टा दैत्य ओ मत है इसका, और जो आचार्य रामानुजन हैं, ब्रह्म संप्रदाय जिसका मत दैत्य है, आनंद तीर्थ है इसके आचार्य हैं, रुद्र संप्रदाय जिसका जो मत है शूद्र दत्र है, और आचार्य इसके वल्लभ आचार्य हैं, और सनक संप्रदाय दत्त देता दैत्य जिसके आचार्य निंबांक है। और एक और फैक्ट आपके बारे में, एक और बात बताना चाहूँगा कि वैष्णव धर्म में इसमें की प्राप्ति के लिए सबसे अधिक जो है महत्व भक्ति को दिया गया है। और गिग, आप बात करेंगे कि वैष्णव धर्म का जो है ऋग्वेद, जो वैष्णव समाज का ऋग में भी वैष्णव विचारधारा का उल्लेख मिलता है, और वैष्णव ग्रंथ इस प्रकार हैं, ईश्वर संहिता, पाद्य तंत्र, विष्णु संहिता, सत्रपत्र ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण, और वैश्य तीर्थ इस प्रकार हैं, बद्रीधाम, मथुरा, और अयोध्या, तिरुपति बालाजी, श्रीनाथ, द्वारकाधीश। जो हम तीर्थों की बात करें तो ये 6 तीर्थ माने गए हैं अपने, और वैष्णव संस्कार भी इस प्रकार हैं। तो वैष्णव मंदिर में राम, विष्णु भगवान और राम कृष्ण की मूर्तियाँ होती हैं, और जो एकेश्वरवाद की प्रीति कट्टर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही भगवान की मूर्ति के लिए कि एक ही कोई मानेंगे, तो एकेश्वर के प्रति कट्टर नहीं है इधर मतलब। और जो इसके सन्यासी जो हैं वो सिर मुंडा कर चोटी रखते हैं, और जो इसके अनुयायी दशाकर्म के बाद सिर मुंडाते वक्त चोटी रखते हैं, दशाकर्म तो आप समझते ही हो, ये सभी अनुष्ठान दिन में करते हैं, चाहे सात्विक मंत्रों को महत्व देते हैं, और जनेऊ धारण करके पीताम्बरी वस्त्र पहनते हैं, और हाथ में कमंडलू और डंडी रखते हैं, और वैष्णवीय जो है सूर्य पर आधारित उपवास ज़्यादातर करते हैं। ठीक है। और वैष्णव दाह संस्कार की नीति है, और यह चंदन का तिलक खड़ा करके लगाते हैं, और वैष्णव साधुओं को आचार्य, संत, स्वामी कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि देखो जो भी अपने समाज के धार्मिक कार्य हैं वो दिन में अनुष्ठान किए जाते हैं, क्योंकि रात को तो अनुष्ठान जो है वो तांत्रिक लोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं, और जो अपने प्रमुख संप्रदाय हैं और उनके कुछ पुस्तक वगैरह का मैं बताना चाहूँगा जो मुझे पता चला है, हो सकता है मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन थोड़ा गलत भी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आप तक सही पहुँचाने की। जैसे बरीक नाम इसके संपादक नामदेव हैं, और श्री वैष्णव रामानुजन हैं जिनकी पुस्तक का नाम ब्रह्म सूत्र है, और परमात है जिनका रामदास है, दासबोध है जिनकी पुस्तक का नाम है, जैसी एक संप्रदाय राम भक्त है जिसकी संस्थापक रामानंद थे, और पुस्तक का नाम अध्यात्म रामायण है। ठीक है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की, और जो एक हमारे कमेंट बॉक्स में एक इससे पहले वीडियो में आया था कि भाई इसका मतलब क्या है, तो गृहस्थ जीवन को में कैसे आए, मतलब जो हम तो वैराग्य थे और आसुन साके हम तो भक्ति में लीन हुए, ये बात सही है कि जो हमारा संत समाज जो था वो पूरी तरह एक वैराग्य समाज था, जिसको मतलब उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं था दीन दुनिया से, लेकिन धीरे धीरे देखो क्या हुआ इसमें, गया ना उस टाइम की जो क्या होता है सामाजिक परिस्थितियाँ, जैसे आज की सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, भले मंदिरों में क्या है कि मंदिरों में हम कितना भी जाएं, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि पुजारी का उस सारे करने से काम चल जाएगा, जो उसकी सारी जनरेशन है, जो उसके बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसी धीरे धीरे हमारे यहाँ पे पहले मुगलों का शासन रहा, मुगल शासन में बहुत सारे अत्याचार किए गए, बहुत सारे मंदिरों पर इस फर्क पड़ा, फिर उसके बाद अंग्रेजी शासन आ गया, फिर जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया वो हमारी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आ गया, हम संस्कृत और वो वैदिक शिक्षा को छोड़ के अंग्रेजी शिक्षा की तरफ मूव हो गए, तो सेम। और अब जो मंदिरों का जो हिंदू धर्म में है, जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी जो पूरी की पूरी जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, उनका सारा का सारा जो भी उनसे जनरेट होता है पैसा, रुपया पैसा, तो इसके चलते चलते जैसे समाज में परिवर्तन आया, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे ब्राह्मण पहले भिक्षा ही मांगते थे ऐसा बोला जाता है, और देते थे, धीरे धीरे वो भी बिजनेस करने लगे और अपने खेती बाड़ी करने लगे, तो धीरे धीरे जो कुछ जो समाज के लोग थे जो मतलब उसमें थे, वो भी धीरे धीरे ऐसे ही कोई ऐसा कोई
निश्चय दिन नहीं है या किसी के कहने पे ये अचानक से हम गृहस्थ में नहीं आए, धीरे धीरे जैसे समाज का परिवर्तन हुआ ऐसे ऐसे हम लोग जो हैं सारे सारे वो गृहस्थ जीवन में आने लगे। जैसे कुछ साधु ने संत तो ऐसे ही फिर सब लोग व्यवसाय करने, अभी क्या है कि कोई जॉब करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई खेती करता है, कोई कुछ करता है कुछ कर, लेकिन हैं तो हम अभी भी समाज उसी से। तो इसका मतलब यही है कि एक एक दिन में नहीं हुआ कि ये हुआ, मेरी जानकारी में मुझे जो अभी तक मैंने तथ्य जुटाया उसमें अभी कहीं मुझे ऐसा नहीं मिला कि हम किसी के कहने से या एक दिन में हम ऐसा परिवर्तन हुआ, नहीं ये परिवर्तन सालों चला। और इसमें यही देखा गया कि जैसे जैसे बाकी के समाज के और वर्ग अपने कार्य चढ़ के दूसरों पे, तो क्योंकि पहले तो वर्ण व्यवस्था थी उसमें चार वर्ण चार लोग थे जैसे शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य, तो चारों के अलग अलग कार्य थे, लेकिन अब तो वो उन वर्ण व्यवस्था को कोई नहीं मानता, सब लोग सब काम करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि यदि मैं यहाँ पे कोई आज सरकारी जो निकले कोई जिसमें मतलब सफाई कर्मचारी की भर्ती निकले तो आजकल सब जाते हैं उसमें, चाहे वो किसी भी कास्ट का, तो वो सब रहा नहीं। और ये समाज में जो परिवर्तन है ये एक दिन में नहीं आया, ये सालों लगे, हमें शताब्दी लगे। धीरे धीरे लोग मंदिरों से हटके, क्योंकि लोगों का पूजा पाठ में कम विश्वास हो गया, मंदिरों में जाना कम हो गया, उनकी जीविका को चलाने के लिए धीरे 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 सालों में ये करता है। तो यही मेरे मुझे जो इसका आंसर मिला है। और बाकी यदि किसी भाई के पास इसका वो सटीक आंसर है तो हमें बता सकता है, हम जरूर इस चैनल पर अपडेट करेंगे। और साथियों और इसी बात पे मैं अभी इस चैनल आप लोगों से विदा भी करूँगा, फिर एक नई वीडियो या आपको फिर से मिलूँगा। और जैसे एक हमारे बड़े भाई जी ने एक अपना संदेश दिया कि भाई हमें इस बारे पर चर्चा डालिए, तो ऐसे आज आप लोग और नए नए विषय लाइए, कोई समाज में अच्छा कार्य हो रहा हो या समाज में कोई किसी ने कोई मंदिर बनवा रहा हो या सारी कोई भी आप चैनल पर जानकारी देना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में चीज़ें भेज दिए, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूँगा। और इस बहुत सारे लोग हैं जिनको आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिससे हम ये चैनल है, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल मीडिया पे है, तो हमारा प्रयास ये है कि समाज के लोग एक साथ जुड़े रहें। आज ही मैं सुबह समाज के में एक हमारे कोई अपने गायक हैं समाज के, उनका निधन सुन के दुख हुआ, तो उसके लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और साथ में आप लोगों से विदा कर देता हूँ, साथ में आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, अपनी चीज़ें बताएं, आप लोगों का चैनल है, इसको आगे बढ़ाने में मदद करें, क्योंकि ये पूरे वैष्णव समाज का है, इसी के जात। जय श्री कृष्णा करता हूँ, और साथ में जय बोलो भगवान विष्णु की जय, और जय श्री राम। और उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने जरूर राम मंदिर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो चंदा जरूर दिया होगा, चाहे 10 रुपये भी दिया है, मैंने तो दिया है, बाकी सब लोगों ने दिया होगा, एक बड़े हर्ष की बात है। और आप जानते हो कि चलो बात होगी तो आप जानते हो कि ये कहा राम मंदिर में जो अभी मूर्तियां रखी थी 1942 में वो किसने रखी थी, तो कहा जाता है कि कुछ बैरागी लोग आए थे और रात को ताला तोड़ के मूर्तियाँ रख गए थे। तो कितने गौरव की बात है हमारे लिए कि भाई हमारे समाज में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सबसे पहले राम मंदिर जो अभी बन रहा है उसके दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया था। तो कभी इस पे बैठेंगे, फिर से एक डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री